हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। तो देखते हैं कि 1.4 के अंदर दिया क्या गया है और कैसे हम इसे सॉल्व आउट कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 1.4 की, तो यहां पे कम्प्लीट डिवीजन है जो कि कम्प्लीट इंटीजर्स का है, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो इनका हम लोग डिवीजन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फिर इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखते हैं आसानी से, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से विजिबल हो पाए आपको, और बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे माइनस का 10 को डिवाइड करना है हमें, डिवाइडेड बाय 1/10। तो देखिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आप मल्टीप्लीकेशन में भी इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व करने का जो तरीका यहाँ पे मैंने बताया, वो कम्प्लीटली उसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है। तो देखिए अगर 30 दिया हुआ है, माइनस का 30 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 10, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। माइनस का 30 दिया हुआ था हमें, माइनस का 30 इंटू करेंगे 10, के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1/10 हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 के अगर नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा -3। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो ये -3 इसका रिजल्ट आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर बी भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, डिवाइड है तो 1/5 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा। वैसे ही अगर माइनस माइनस तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर इसका आएगा 4, 1/9, यानी कि 9 4 36 और 49 का 1 आएगा। और इसको भी हम अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और -1 का डिवाइड करेंगे तो -13 आंसर आएगा। और 0 में किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट 0 ही आता है, तो यहाँ पे भी 0 रिजल्ट आएगा। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर जी की, तो क्वेश्चन नंबर जी में भी कुछ ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ब्रैकेट है उनको हमने सॉल्व किया है, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आया है 1। वैसे ही क्वेश्चन नंबर एच के अंदर भी हमें करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ें दी गई हैं उन्हें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमने रिजल्ट देखा तो -1 आया। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर आई की, क्वेश्चन नंबर आई में भी सेम वही कंडीशन करनी है, सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इन दोनों ब्रैकेट को जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो +1 आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है और कैसे हम इसे सॉल्व आउट कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज दी गई हैं, और इन वैल्यूज को वेरीफाई कराना है कि ए डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी और फिर इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी ब्रैकेट के अंदर एंड सेकंड ब्रैकेट के अंदर इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय सी। तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन दी गई है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, और इसको पुट करने के बाद हमने देखा कि इसका रिजल्ट -6 आ रहा है। अब सेकंड वाले इक्वेशंस में भी हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और इसके आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 12 डिवाइडेड बाय -1/4, जैसा हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या देखा कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे वेरीफाई होता है, क्योंकि हमें यही चीज़ें प्रूफ करनी थी कि बराबर नहीं आना चाहिए। अगर बराबर बोलता कि बराबर आना चाहिए तो ये चीज़ें प्रूव नहीं होती, क्वेश्चन में ही बोला इज नॉट इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है इस चीज़ को। वैसे हमें करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सेम ऐसी तरीके से करना है, ए बी सी की वैल्यूज पुट करी यहाँ पे और इसको सॉल्व किया, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये वेरीफाइड नहीं है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक चीज़ बोली गई है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इसमें हमें ना फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। देखिए 369 में हमें आंसर चाहिए 369, तो 1 यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे अगर 1 चाहिए तो 75 का डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे भी 1 चाहिए तो 210 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 का डिवाइड करेंगे तो 86, यहाँ पे 86 का डिवाइड करेंगे तो -87 आएगा, और यहाँ पे 48 का करेंगे तो 1 -1 आएगा, -10 का करेंगे तो -2 आएगा, और -12 का करेंगे तो 3 आएगा। ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करने थे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर कुछ पेयर दिए हैं, फाइव पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी, सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू -3। जैसे हमें पेयर्स बनाने हैं, वन पेयर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर इसका हम करेंगे सॉल्व तो -3 आएगा, वैसे ही यहाँ पे भी देखा तो -3 आ रहा, तो हमें इसके 5 पेयर्स कोई से भी लेने हैं। देखिए 2 में 3 का डिवाइड करेंगे, सॉरी 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो -3 आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे -3 से तो -3 आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो भी 3 आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो भी 3 आएगा माइनस का, और 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो भी -3 आएगा। यही हमें 5 कोई से भी इंटीजर्स बताने थे, ये इसके अलावा भी और भी आंसर्स हो सकते हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर बोला गया है कि टेम्परेचर है एट नून, जब आफ्टरनून में अगर टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस था, और उसके बाद अबव जीरो इफ द डिक्रीज, अगर वो टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी कि कम हो रहा है 2 डिग्री पर आवर, पर आवर 2 डिग्री हो रहा है, तो इन द मिडनाइट में टेम्परेचर उसका क्या होगा, व्हाट वुड बी द 8 डिग्री बिलो 0, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट में क्या होगा हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं कि हर आवर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, हर पर आवर 2 कम होता जा रहा है, तो 10 से 8 हो रहा है, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, ये 1, तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि जब जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अगर डिक्रीज होता है टेम्परेचर, यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अगर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा टेम्परेचर टोटल डिक्रीज हुआ 1 डिग्री सेल्सियस, यानी हर आधे घंटे में 1/2 आवर्स, हर आधे घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है। ये हमने कैसे देखा, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमें बताना है कि 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा कितने आवर्स में, तो 9 आवर्स में होगा, और 12 नून मतलब टोटल टाइम कितना हुआ, 12 नून से लेकर 9 आवर्स, 21 आवर्स, तो यहाँ पे देखें 9 PM पे वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। तो 10 हम कह सकते हैं, 10 वी कैन से दैट 9 PM द टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो टू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, 0 से 8 कम हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है, क्लास टेस्ट में एक बच्चे को +3 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट मार्क्स के लिए, और -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं इनकरेक्ट मार्क्स के लिए, और नो मार्क्स नो अटेम्प्ट, अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहा तो कोई मार्क्स नहीं है। तो हमें बताना है फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि राधिका स्कोर कर रही है 20 मार्क्स, इफ सी गोट 12 करेक्ट मार्क्स हैं उसके, तो कितने मार्क्स उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। देखिए सबसे पहले करेक्ट के 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं, उसने 12 करेक्ट किए यानी कि 36, लेकिन उसके मार्क्स आ रहे हैं 20, तो अब हमें देखना ये होगा कि 20 मार्क्स जब उसने स्कोर किए हैं तो 20 में से अगर हमने 36 को माइनस कर दिया, तो 36 हमने माइनस किया तो क्या हो जाएगा, -16, और -16 इट मींस क्या, 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें -2 दिया जा रहा है, तो -2 का डिवाइड कर देंगे यानी कि टोटल उसके जो इनकरेक्ट आंसर थे वो 8 इनकरेक्ट आंसर थे। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की। मोहिनी ने स्कोर किए हैं -5 मार्क्स हर टेस्ट में, दिस टेस्ट ही सी गॉट 7 करेक्ट मार्क्स, 7 करेक्ट आंसर हैं, तो बताना है कि किसने उसने कितने उसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया। सेम इसी तरीके से ये भी क्वेश्चंस करेंगे, हमें पता है उसने 7 करेक्ट आंसर किए तो 7 × 3 = 21 जाएंगे। मोहिनी स्कोर कर रही है -5 स्कोर किया, दोनों को प्लस करेंगे तो -26 है, और एक इनकरेक्ट मार्क्स के लिए उसे -2 मार्क्स दिया जा रहा है। अब -2 मार्क्स दिया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे किसमें, 26 में, तो आ जाएगा 13, यानी कि टोटल उसने 13 इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए हैं। अब बात करते हैं एक इलेवेटर है डिसेंड्स इनटू द माइनशाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम द 10 अबव ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है, तो कितनी दूर वो जाएगा, -350 डिग्री सेल्सियस। इलेवेटर मतलब एक सीढ़ी है, और उस सीढ़ी का जो डिसेंट है वो डिसेंट क्या हो रहा है, जो घूम रहा है वो 6 मीटर पर मिनट के बेसिस पे वो आ रहा है, तो स्टार्टिंग पोजीशन जो शाफ्ट का था वो क्या था, 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर था। जैसे ही ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर था तो आप देख सकते हैं कि वो मूव कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है कितना, -350 मीटर बिलो ग्राउंड से, 350 ग्राउंड बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे। सो टोटल डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है, देखो माइनस 10 तो उसका टोटल 10 में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर लिया 350, तो यहाँ पे 360 टोटल उसका डिस्टेंस आ गया। अब हमें देखना है कि वो 6 मीटर में 1 मिनट कवर कर रहा है, तो 1 मीटर में कितना, 1/6 टोटल कवर टाइम 360 टोटल कवर टाइम 360 मीटर है, 360 मीटर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आवर लगेंगे, यानी कि 1 आवर मीन्स क्या, यहाँ पे 60 मिनट आया यानी कि 1 आवर, तो हम कह सकते हैं कि 1 आवर में जो शाफ्ट है उसका वो पहुंच रहा है -350 बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड से नीचे कितना आ रहा है, -350 आ रहा है नीचे। तो ये कंप्लीट इसका आंसर हुआ,
जिसको हम लोग सॉल्व जिसको हमने सॉल्व किया। तो उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शंस में हमसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।